दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। अगर आप यहाँ पर अपने किसी भी स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके एक नया स्मार्टफोन लेते हैं तो आप अपने पुराने वाले स्मार्टफोन पे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आप कैसे ले सकते हैं। और आपके साथ में कुछ ऐसी भी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदे हैं तो आपको उस पर 15,000 रुपए तक का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ इस टाइप की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर आप यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो पुराना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं और आपके पुराने स्मार्टफोन की एक वैल्यू वहां पर फिक्स की जाती है। और फिक्स करने के बाद में वो जब आपका नया स्मार्टफोन आता है तो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो आते हैं आपके पुराने वाले स्मार्टफोन को ले जाते हैं और उतना जो पैसा है वो आपके नए वाले स्मार्टफोन में से माइनस हो जाता है, आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो पुराना स्मार्टफोन है उसकी वैल्यू हमें बहुत कम देखने को मिलती है। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन दोनों ऐप की बात कर रहा हूं तो वैल्यू हमें कम मिलती है। अब ऐसी कोई ट्रिक हो जिससे हम यहां पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करवा पाए, जैसे कि अगर हमारा कोई भी 10,000 का स्मार्टफोन हो और उस पर हमें 3,000 रुपए मिल रहा है, हमने एक साल स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है, तब तो ये बहुत कम वैल्यू हमें मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा ट्रिक हो जिससे हमें 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए तक मिल जाए या फिर 11,000-12,000 रुपए में मिल जाए तो काफी अच्छी बात होगी। एक ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ जिससे आपकी जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेल का वेट करना है। जो भी आपको पर्टिकुलर स्मार्टफोन लेना, जैसे कि मान लेते हैं आपको रियलमी 9 स्मार्टफोन लेना है, ठीक है, तो रियलमी 9 स्मार्टफोन आपको लेना है, अगर अभी आप जाकर के चेक करेंगे और आप यहां पर स्मार्टफोन को खरीदेंगे तो आप हो सकता है कि आपको एक्सचेंज पे उतना वैल्यू देखने को ना मिले। लेकिन अगर आप यहां पर सेल का वेट करेंगे, सेल में होता क्या कि स्मार्टफोन पे एक ऐसा ऑफर रखा जाता है जिससे वहां पर ये कहते हैं कि अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपके स्मार्टफोन की वैल्यू प्लस 5,000 आपको एक्सचेंज पे हम ऑफ दे रहे हैं। तो मान लेते हैं आपके स्मार्टफोन की जो वैल्यू है वो कुछ यहाँ पर वो लोग उस टाइम पे मान लेते हैं कि 8,000 रुपए आपके स्मार्टफोन का दे रहे हैं। आपने 10,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदा है, एक साल यूज किया है, 8,000 रुपए आपके स्मार्टफोन की वैल्यू मिल रही है। अब ऐसे में जब 5,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा तो ये 5,000 + 8,000 = 13,000। 10,000 का स्मार्टफोन आपने खरीदा था, आपको 13,000 रुपए उस पर एक्सचेंज पे वैल्यू देखने को मिल गई और ये आपके स्मार्टफोन की बम्पर वैल्यू है। तो आपको सिंपली सेल का वेट करना है। सेल में यार आप विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 रुपए तक का एक्सचेंज पे ऑफ होता है। मतलब आप अगर अपने 5,000 रुपए का भी स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ये वैल्यू फिक्स होती है, चेंज वाली वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो आप सेल का वेट करिए या फिर आप नॉर्मली जाकर के भी स्मार्टफोन जो आप ले रहे हैं उसके ऑफर वाले सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। कभी कभी बिना सेल के भी जो ऑफर है वो चलता रहता है कि आप एक्सचेंज करिए, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो ऐसे में ये जो ट्रिक है वो काफी ज्यादा यूजफुल है और ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन पे बम्पर डिस्काउंट ले सकते हैं। रियलमी GTM स्मार्टफोन वगैरह पे तो 5,000-6,000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो एक्सचेंज पे देखने को मिलता है सेल में। तो ये जो ट्रिक है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करें तो जरूर इसको चेक करिए, उसके बाद में स्मार्टफोन को एक्सचेंज करिए। फाइनली आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों तक वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।